अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज हम बहुत ही कलरफुल डेजर्ट बनाने जा रहे हैं, जिसमें सारी होममेड चीज़ें यूज़ होंगी। और जो ये हम लोगों ने सेवइयाँ लेनी है, ये भी हैंडमेड है, हम लोगों ने खुद बनाई है, मम्मा ने तैयार की थी, तो इसे हम बनाएंगे। इसे बनाने के लिए हमें 2 कप सेवइयाँ चाहिए और 1 कप हमें चाहिए चीनी और 2 इलायचियाँ जिनका मुंह हमने खोल दिया। चले बनाना शुरू करते हैं। एक पैन लेंगे, उसमें इन सेवइयों को डाल देंगे जो थी हमारे पास 2 कप। अब पहले हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना, हमने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है, मतलब कि इनका जो कलर है ना वो थोड़ा चेंज होने तक पकाएंगे, क्योंकि इसमें से खुशबू तो आएगी नहीं, तो इसलिए हम तकरीबन इसे 5 से 10 मिनट तक इसे भूनेंगे और आँच लो होनी चाहिए आपकी। तो ये जो सेवइयाँ हैं ये मैदे की बनती हैं और मम्मा ने बहुत ही मेहनत से बनाई हैं, हाथ से तैयार होती हैं ये, और बिल्कुल कलरफुल बहुत ही मज़े की बनती हैं और देखने में भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये इसकी रेसिपी भी हम आप लोगों के साथ शेयर करें, तो ज़रूर बताइएगा कि ये कैसे बनती हैं, तो आप लोगों के साथ हम शेयर ज़रूर करेंगे। हाँ जी, तो यहाँ पे हमारी सेवइयाँ भून रही हैं, बहुत मज़े की बनती हैं, बहुत सिंपल। आप ऐसा कह लें जैसे आप मीठे राइस बनाते हैं, ज़रदा बनाते हैं, बिल्कुल उसी वे में बनते हैं, लेकिन इसमें यह है कि हम सेवइयों को भूनते हैं। अब हम इसमें भुनी हुई सेवइयों में हमने पानी शामिल कर दिया है इसे बॉईल करने के लिए। हमने इसे 90% तक बॉईल करना है, मतलब कि 90% होना चाहिए इसमें, एक कनी रहनी चाहिए। और पानी जो है हम लोगों ने इतना ऐड करना है कि सारी सेवइयाँ हमारी उसमें डूब जाएं अच्छी तरीके से, जैसे हम चावल बॉयल करते हैं वैसे ही। अब हमने उसे अच्छी तरीके से छान लेंगे। अब उसी पैन में हमने 1 कप जो चीनी थी वो ऐड कर दी है और 2 इलायचियाँ, और उसमें तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून हमने पानी शामिल किया है। हमने इसकी चाशनी नहीं बनानी, बस हमने चीनी को मेल्ट करना है। जब तक कि सारी चीनी मेल्ट नहीं हो जाती तब तक इसको पकाएंगे। बिल्कुल हमने कोई तार वार नहीं बनानी, सिंपल हमने चीनी को मेल्ट करना है। यहाँ पे जो हमारी चीनी है वो अच्छी तरीके से मेल्ट हो गई है, तो अब इसमें हमने जो अपनी सेवइयाँ छान के रखी हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे सेवइयाँ जो है खुद ही गिर गई थी, हम लोगों ने ऐड नहीं की थी, गिराने से पहले गिर गई। हाँ जी, तो अब बारी आती है इसमें घी ऐड करने की। घी हम इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको, जो इसमें थोड़ा बहुत पानी है उसको ड्राई कर लेंगे। जैसे हम चावलों में थोड़ा सा पानी रहने देते हैं फिर उसको दम देते हैं, ऐसे ही इसमें थोड़ा सा पानी रहने देंगे फिर इसको दम देंगे। बिल्कुल थोड़ा सा आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। हाँ जी, तो पानी ड्राई हो रहा है, तकरीबन पानी ड्राई होने लगा है। अब हम इसे कवर करके पकाएंगे 15 मिनट के लिए, मतलब 15 मिनट के लिए हमने इसको दम दिया है। देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी तैयार हुई हैं, बहुत मज़े की बनती हैं, आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, सबको बहुत पसंद आएंगी। तो उम्मीद है जी आज की रेसिपी, सिंपल रेसिपी, आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।